नमस्कार नमस्कार। झांसी में बुंदेलखंड का एक नया न्यूज चैनल शुरू होने जा रहा है बीके न्यूज। बीके न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से यानी भाभी जी घर पर रह के तिवारी जी की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। खाकी को देखते ही जुआरी 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन जब कानून के रखवाले ही जुआरियों की तरह हार जीत का दाव लगा रहे हों तो भला जुआरियों को वर्दी का खौफ कैसे होगा। चौथे चरण के मतदान के लिए महोबा में जिले के आला अधिकारी और पुलिस अधिकारी पोलिंग पार्टियों को एक ओर रवाना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर खाकीधारी और सरकारी कर्मचारी खुलेआम जुआ खेलते नजर आए। खाकी को देखकर हार जीत का दाव लगाते जुआरी रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन जब खाकी ही हार जीत का दाव लगाती हो वो भी अधिकारियों की मौजूदगी में, तो फिर अपराधियों पर नकेल कौन कसेगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला महोबा में, जहां विधानसभा चुनाव के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी, मगर वहीं दूसरी ओर कुछ वर्दीधारी पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी जुए के फड़ सजाए हुए नजर आए। अब जरा गौर से देखिए इस जुए के फड़ को। ये वो लोग हैं जिनकी ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी हुई है और ये इंतजार कर रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्र जाने का, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी में जाने से पहले ही जुए की महफिल सजा ली। ये महफिल एक नहीं बल्कि कई जगह देखी गई। इन साहब को यह भी डर नहीं है कि आगे पंडाल में जिले के आला अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं। अब इन खाकीधारी को देखिए जो हाथों में नोट लेकर खुलेआम हार जीत का दाव लगा रहे हैं। जब खाकी ही कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो तो इनसे इंसाफ की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। यही नहीं, मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी जुआ चल रहा है। मजिस्ट्रेट की गाड़ी में पुलिस वाले हजारों के दाव लगाने में व्यस्त हैं। इन सरकारी जुआरियों को कैमरे ने कैद कर लिया। सरकारी जुआरियों ने जैसे ही ये भापा कि कैमरा उनकी इस करतूत को कैद कर रहा है, तो जुआ बंद करके बिल्कुल शरीफ बन गए। अब सवाल ये उठता है कि जब निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और खाकी जुए का दाव लगा रहे हो तो इनसे निष्पक्ष चुनाव की क्या उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जब निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और खाकी वर्दी वाले ही जुए का दाव लगा रहे हो तो इनसे निष्पक्ष चुनाव की क्या उम्मीद की जा सकती है। बीके न्यूज के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।